हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के नए मिलिट्री बेस के बारे में जो कैम्बोडिया में बनने वाला है। यूएसए ने इस बात को लेकर आपत्ति जताना काफ़ी महीनों पहले से स्टार्ट कर दिया था, और अब लग रहा है कि कैम्बोडिया में भी चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस प्राइमरली उनकी नेवी के लिए बनने शुरू हो चुके हैं। डिस्कस करेंगे कि इशू क्या है यहाँ पर, चाइना ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, कैम्बोडिया इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा कि चाइना कैम्बोडिया में मिलिट्री बेसिस बना रहा है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से studyiq.com, या फिर आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ पहले तो हम जान लेते हैं कि कैम्बोडिया है कहाँ पर, उसके बाद बाकी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। सो एज यू कैन सी, ये है एशिया और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखोगे जो सारी कंट्रीज आपको दिख रही हैं ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आती हैं। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, यहाँ पे आपको एक देश दिखेगा वियतनाम थाईलैंड को बॉर्डर करता हुआ, और ऑफ कोर्स लाओस को भी बॉर्डर करता हुआ कैम्बोडिया। ठीक है, कैम्बोडिया की राजधानी है फ्नोम पेन, PHNOMPENH। नाउ कैम्बोडिया ऑब्वियसली एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, इसकी एक बहुत अच्छी कोस्ट लाइन भी है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में इसका डायरेक्ट एक्सेस है, उसके अलावा कैम्बोडिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का के काफ़ी करीब है, उसके अलावा आप देखोगे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पोजिशनड है। अगर मान लीजिए किसी ग्लोबल सुपर पावर को जो आसियान कंट्रीज हैं उनके बीचों बीच एक कंट्री चाहिए, तो उसके लिए कैम्बोडिया सबसे बढ़िया लोकेशन होगी। तो कैम्बोडिया को आपने देख लिया, ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है, जो इनका ऑफिशियल रिलीजन है यही बुद्धिज़्म है। 95% लोग यहाँ पर बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। आबादी है यहाँ पर 16 मिलियन। कैम्बोडिया को ब्रिटेन से नहीं फ्रांस से आज़ादी मिली थी 1953 में। नाउ कैम्बोडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप का पार्ट है, उस ग्रुप का नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके बारे में आपने दर्जनों बार सुना होगा, 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है जिनके फ्लैग यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं ब्रुनाई, म्यांमार और फिलीपींस, और यहाँ पे आप देखोगे ये है कैम्बोडिया। और बाय द वे आपको ये भी मैं बता दूँ कि आसियान कंट्रीज़ को ज्वाइन करने वाला आखिरी देश था कैम्बोडिया। कैम्बोडिया ने 1999 में आसियान को ज्वाइन किया था। नाउ कैम्बोडिया आज के टाइम में बहुत ही अच्छे रिलेशंस इन्जॉय कर रहा है चाइना के साथ। कुछ कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप देखोगे इंडोनेशिया, वो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा अनकंफर्टेबल है चाइना के राइज को देखते हुए। इंडोनेशिया कोशिश कर रहा है कि उनकी जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ काफ़ी हद तक बढ़े, ताकि वो चाइना को बैलेंस कर पाए, मगर कैम्बोडिया ने ओवरऑल चाइना की जो डोमिनेंस है रीजन में इसको काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के कैम्बोडिया में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इनका आइलैंड का पार्ट है, वो भी कैम्बोडिया की सरकार ने चाइनीज़ कंपनी को 99 ईयर्स की लीज़ पर दे रखा है, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊँगा। तो बेसिकली चाइना आज के टाइम में बिलियंस पोर कर रहा है कैम्बोडिया में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। नाउ जब भी ऐसा होता है, अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें हम्बन टोटा में जो हुआ या फिर और कंट्रीज़ में जो हो चुका है, जब भी ऐसा होता है इवेंचुअली क्या होता है कि चाइना वहाँ पर मिलिट्री बेसिस या फिर अपनी मिलिट्री को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। नाउ 2018 से अगर हम देखें तो चाइनीज़ मिलिट्री और कैम्बोडियन मिलिट्री के बीच में जो रिलेशंस है बहुत ही तेज़ी से सुधरने शुरू हुए। दोनों कंट्रीज़ ने मिलिट्री ड्रिल्स करनी स्टार्ट कर दी, इवन दो कैम्बोडिया बहुत ही लंबे समय से यूएसए की डर की वजह से चाइना के साथ कोई मिलिट्री डील करता नहीं था। अब 2018 में ये चेंज हुआ। फिर उसके बाद एक डेंजरस चीज़ ये सामने आई कि रिपोर्ट्स मीडिया में सर्कुलेट होनी स्टार्ट हो गई कि कैम्बोडिया में चाइना एक मिलिट्री बेस बना रहा है। बेसिकली चाइना ने जो भी लैंड कैम्बोडिया में एक्वायर किया है वहाँ पर चाइना ने अपने सोल्जर्स भेजने स्टार्ट कर दिए हैं, वहाँ पर वेपन स्टोरेज की फैसिलिटी है, और वहाँ पर जो उनकी नेवल वेसल्स हैं वो भी अब रेगुलरली डॉक करती है। ये सब देखते हुए कुछ ही महीने पहले, एक्चुअली जुलाई से एक महीने पहले ही, यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट ने कैम्बोडिया की सरकार को एक चिट्ठी लिखी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चिट्ठी थी। इसमें यूएसए ने ये कहा कि चाइना कैम्बोडिया में मिलिट्री फुटहोल्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस चिट्ठी में प्राइमरली ये लिखा हुआ है कि कैम्बोडिया के संविधान में लिखा हुआ है कि वो किसी भी कंट्री को अपने देश में एक मिलिट्री बेस बनाने नहीं देंगे,
तो जो भी कैम्बोडिया इस वक्त कर रहा है, जो चाइना कर रहा है, ये कैम्बोडिया के संविधान के अगेंस्ट है। और बिल्कुल यूएसए यहाँ पर टेक्निकली सही कह रहा है, कैम्बोडिया ने अपना संविधान इस तरीके से बनाया है कि वहाँ पे लिखा है कि किसी भी कंट्री को हम अपने देश में मिलिट्री सेटलमेंट बनाने नहीं देंगे, मतलब कि मिलिट्री बेस बनाने नहीं देंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए यूएसए ने ये कहा, वी यानी यूएसए आर कंसर्न्ड दैट एनी स्टेप्स बाय द कैम्बोडियन गवर्नमेंट टू इन्वाइट ए फॉरन मिलिट्री प्रेजेंस इन कैम्बोडिया वुड थ्रेटन द कोहेरेंस एंड सेंट्रलिटी ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो बेसिकली यूएस यहाँ पे वॉर्न कर रहा है कैम्बोडिया को कि ये आसियान के भी अगेंस्ट है, कैम्बोडिया के संविधान के भी अगेंस्ट है, और मोर इम्पोर्टेंटली इससे साउथ ईस्ट एशिया में स्टेबिलिटी भी कायम नहीं रहेगी। नाउ जैसे ही ये ऑफिशियल लेटर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से गया कैम्बोडिया में, चाइना और कैम्बोडिया की सरकार ने रिएक्ट किया। अब उनका रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पे हमको ये बात तो पता है कि कैम्बोडिया में संवैधानिक तौर पर वो एक मिलिट्री बेस को अलाउ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे यूएसए जो भी अपनी चिट्ठी में कह रहा था। तो कैम्बोडिया ने ओपनली ये कह दिया कि यूएसए को यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चाइना की प्रेजेंस है, चाइनीज कंपनीज की प्रेजेंस है, मगर हमने उनकी मिलिट्री को यहाँ पे कोई बेस बनाने का परमिशन नहीं दी है, ना इसके लिए कोई यहाँ पर सीक्रेट डील हुई है। और चाइना ने भी ये कहा कि हमारा ऐसा करने का कोई इरादा है नहीं। ना ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर यही कहेंगी, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वाला इशू है। मगर जैसे यूएस गवर्नमेंट ने ये बात कही, उसके कुछ ही हफ्तों बाद अमेरिकन मीडिया में, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो चाहे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, हर जगह ये न्यूज़ सर्कुलेट होनी स्टार्ट हो गई कि कैम्बोडिया और चाइना की गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट डील साइन कर ली है। इस डील के अंडर क्या होगा कि चाइनीज सोल्जर्स कैम्बोडिया में डिप्लॉयड होंगे, कैम्बोडिया चाइनीज फाइटर जेट्स के लिए, उनके एयरक्राफ्ट के लिए उनको लैंडिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, उसके अलावा वेपन स्टोरेज, वेरियस फैसिलिटीज चाइनीज मिलिट्री को मिलेगी कैम्बोडिया में। इसके बदले में चाइना कैम्बोडिया को लोन्स प्रोवाइड करता रहेगा। तो आज के टाइम में अगर हम कैम्बोडिया को देखें, मैंने आपको अभी दिखाया था कैम्बोडिया का पूरा मैप, वहाँ पर जो कोस्टल एरिया है ना, वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर चाइनीज कंपनीज ने कब्जा कर रखा है। और एक बार एक सरकारी चाइनीज कंपनी वहाँ पे कब्जा करती है तो मिलिट्री भी अपने आप वो एरिया यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। ये मैं कहूँगा चाइना की सारे संगठन में, सारी जो कंपनीज और मिलिट्री है उनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो एक तो है कैम पोर्ट, डीप वाटर पोर्ट, ये अब चाइनीज कंपनी के अंडर आता है। फिर यहाँ पे एक वर्चुअल चाइनीज सिटी बना चुके हैं ये। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीम नेवल बेस था जो अब चाइनीज़ और कैम्बोडियन नेवी मिलके चलाती है। फिर सबसे ज़्यादा सैड बात है यहाँ पर डारा सोकर रिजॉर्ट की। ये बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा रिजॉर्ट था, ये पूरा एरिया इंक्लूडिंग दिस आइलैंड। इस पूरे रीजन को कैम्बोडिया की सरकार ने चाइनीज़ कंपनी को 99 ईयर्स के लिए लीज़ पर दे दिया है। रिसेंटली इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स ने भी ये रिपोर्ट किया था वेरियस सोर्सेस को कि उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस से देखा है कि यहाँ पर इस रिजोर्ट वाले एरिया में एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए अलग से सुविधाएं बनाई जा रही हैं ताकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट आराम से लैंड कर पाएं। ऑफ कोर्स एयरपोर्ट यहाँ पे बन नहीं रहा, नया एयरपोर्ट यहाँ से कुछ किलोमीटर्स दूर ये लोग न्यू डारा सोकोर एयरपोर्ट बना रहे हैं। इस सब के अलावा चाइनीज़ एयरफोर्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ कैम्बोडिया की सरकार डेवलप कर रही है। और मीडिया में ये भी रिपोर्ट किया गया, अमेरिकन मीडिया में प्राइमरली, कि जो सीक्रेट डील हुई है बिटवीन कैम्बोडिया और चाइना, उसके ड्राफ्ट में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो चाइना ने लीज़ पर ले ली है, वहाँ पे कैम्बोडिया की अथॉरिटी, कैम्बोडिया की मिलिट्री भी कभी भी नहीं जाएगी। ये बेसिकली अब चाइना का ही लैंड हो चुका है। तो ऑफकोर्स फॉर द टाइम बींग कैम्बोडिया की सरकार और चाइनीज़ गवर्नमेंट इसको ओपनली मना करती रहेगी, मगर बाकी सारे सबूत ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जिबूती के बाद इंडियन ओशन रीजन के आसपास चाइना का दूसरा बड़ा मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश हो चुका है। ऑफ कोर्स इसके बहुत ही नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होंगे प्राइमरली यूएस के लिए, इंडिया के लिए यहाँ पे इतनी खतरे की बात नहीं है। पहली बात तो ऑलरेडी चाइना की काफ़ी एनसर्कलमेंट हो चुकी है, चाहे वो हम्बन टोटा हो, जिबूती का नेवल बेस हो, तो ये एक एडिशन अगर होता भी है तो इससे इंडिया को ऑलरेडी जो खतरा है वो खतरा बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, यूएसए की जो हेजेमनी है उसको चैलेंज करने के लिए ये चाइना का एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का, न्यू चाइनीज मिलिट्री बेस इन कैम्बोडिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।